ओम शांति। 21 सितंबर 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नूंदा हुआ। उसमें भी कितना पाठ नूंदा हुआ है, कैसा? अविनाशी। हर आत्मा एक यूनिक अविनाशी पार्ट से भरी हुई। कोई भी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ, ये बहुत सोचने वाली बात। ये बात स्पष्ट हो रही है, हजम हो रही है? कितना पार्ट नूंदा हुआ है? कितना? पूरे 5000 साल का। हर आत्मा, सिर्फ आत्मा में ही पाठ नूंदा हुआ है, परमात्मा में भी। बस इनमें भी आत्मा है ना, जिनमें आत्मा नहीं है क्योंकि हर छोटे से छोटा तत्व, मीन्स मेरे इस शर्ट का जो कलर है, वो भी कहां कहां से होते हुए इस टाइम यहीं पर होंगे। ऐसे बोल रहे मतलब जो कुछ भी चश्मा है, चश्मे में जो कुछ भी है, वो भी सब एक्यूरेट यही होगा। चाहे इसमें छोटे से छोटा अंश कुछ भी है, इसको बहुत बात को सारा दिन एक एक एक्शन में महसूस कर, एक एक एक्शन में इसको महसूस कर। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उसे भोला क्यों कहा है? भोला किसे कहते हैं? इनोसेंट। और इनोसेंट का मतलब मासूम, जिसमें से खुशबू आए, पवित्रता। परंतु दुनिया वाले समझते हैं अनजान, भोला माना सीधा साधा, जिसको आजकल की दुनिया वाली चलाकियां, प्रेम, चतुराई नहीं पता, वो कहते हैं ये भोला है। हाँ, तो जवाब क्या देते हैं बाबा? क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुबजाओं का उद्धार कर, क्योंकि बाप क्या करते हैं? अहिल्या किसे कहेंगे? पत्थर बुद्धि वालों को। पत्थर बुद्धि मतलब झूठ को सच समझे हुए, जिनको सत्य से पता ही नहीं, पत्थर बुद्धि, जिनको कुछ भी समझाओ समझ में ना आता। ज्ञान दो भी सही तो ज्ञान वो उसके ऊपर से चिकने घड़े की तरह चला जाता। गणिकाएं वैश्याओं को कहते, कुबजाओं जो टेढ़े मेढ़े, मतलब आजकल के हिसाब से चलाक, चतुराई से
चलाकी से, धूर्तता से, मकारी से, गद्दारी से काम निकालने वाले, कुबजाओं और हर प्रकार की आत्माओं का इलाज करते हैं। इसमें सिर्फ औरतें नहीं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। बाबा क्या करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वही देता है सुख भी वही देता है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो आवे दे मेरे कर। पर तो बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं, मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं। विचार करो, मैं दुख हरता सुख करता मैं अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना। जब सब मनुष्य, जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वे सभी मुसाफिर हैं, वे सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं, आत्माओं का कोई भी घर, ठीक है बात, नहीं? बाबा कह रहा है वो गलत है, उनका कोई घर नहीं है। मतलब आत्मा आत्मा को घर की जरूरत ही नहीं है। आत्मा जहां भी है वहीं वो परम अवस्था में चली गई, वही परम धाम है, वही परम धाम है। आत्मा को कुछ भी परम अवस्था क्या होती है, कोई भी संकल्प शून्य, एकदम शून्य हो गई। जैसे कोमा में चले जाते हैं और ऐसे ही आत्मा कोमा में जाती है, आत्मा चैतन्य होती है, शरीर से मैसेज नहीं मिल रहा, बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही कोमा में। हाँ, आत्मा चैतन्य है परंतु बॉडी से उसको कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा, ठीक है, जिसके कारण बॉडी वर्क नहीं कर रही आत्मा को। हाँ, आत्मा को जो बॉडी से मैसेज आना चाहिए वो मैसेज आत्मा के पास नहीं जाता, आत्मा का मैसेज बॉडी नहीं लेती। मन का काम क्या है, हाँ, मन का काम क्या है, मैसेज देना। बॉडी लैंग्वेज को लैंग्वेज कन्वर्ट करके बुद्धि को बताना, ये मन का काम है। बुद्धि की लैंग्वेज को बॉडी लैंग्वेज में, यहां से जो भी मैसेज हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर ब्रेन में जाते हैं। बॉडी का फंक्शन ब्रेन की तरफ, वहां पर पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये तीन ग्लैंड्स हैं। इन तीन ग्लैंड्स के ऊपर ये हार्ट डिस्क है, खोपड़ी है सारी, जिसके अंदर बहुत सारी छोटी 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 बाल से भी बारीक नसें हैं, मतलब उनको गिन नहीं सकते, और वो टूट जाए तो उनको कोई दुनिया का अब तक सर्जन पैदा नहीं हुआ जो उसको रिपेयर कर दे। जब सिर दर्द होता है तो वो टूटती हैं, सिर दर्द का मतलब ये होता है कि वो टूट रही हैं। वो कहते हैं ना सिर टूट रहा है,
सिर के अंदर वो छोटी छोटी बाल से भी बारीक नसें टूट रही हैं, ये सिर दर्द का, और टूटने का कारण है टेंशन या ब्रेन में ब्लड बहुत ज्यादा जाना, इसलिए माथा गर्म होता है। सिर के दर्द होने के पर देखेंगे उसका माथा क्या होगा, गर्म होगा। तो उसका कारण होता है कि ब्लड बहुत ज्यादा ब्रेन में जा रहा है। तो मतलब उस समय अब जो ब्रेन है यहां से जितने भी मैसेज हैं सारे रीढ़ की हड्डी से होकर के ही वहां पहुंचते हैं, ठीक है ना, हाथ का, इधर का, इधर का, सारे ये सारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं ये सारे एक एक अंग की एक एक गोटी है, हर एक से उसकी नसें जुड़ी हुई हैं। तो अब वो मैसेज जब गुजरता है वहां से, वहां आत्मा है, मन उन मैसेज को रीड करके, बॉडी लैंग्वेज है ना वो, उस बॉडी लैंग्वेज को मतलब आत्मा के पास पहुंचाता है, बॉडी लैंग्वेज को आत्मा के पास पहुंचाता है, ठीक है ना, बुद्धि के पास, आत्मा में भी बुद्धि के पास, और बुद्धि फिर उसको ऑर्डर करती है, वो उसकी लैंग्वेज को समझकर पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के माध्यम से पूरी बॉडी को देता है, पूरी बॉडी को मैसेज देता है कि पैर उठाओ, हाथ उठाओ, इधर देखो, उधर देखो, ये नहीं करना, ऐसे बोलो, ऐसे करो, जो भी मैसेज है वो कहां से आएंगे, बुद्धि ऑर्डर करेगी मन को, मन उसे बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बॉडी से कराएगा। अब वही पार्ट जो ब्रेन का जो पार्ट है, मीन पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इसके लिए जो मेडिकल साइंस के अंदर है कि यदि 3 मिनट तक इसको ऑक्सीजन ना मिले तो पूरा ब्रेन डैमेज हो जाता है, 3 मिनट्स, मतलब विद इन 3 मिनट्स मिल गई तो जितना ब्रेन बचना है बच गया, अदरवाइज ब्रेन क्या हो जाएगा, खत्म। इसीलिए मतलब क्योंकि हमें तो बाद में पता लगा कि कोमा, ये जो एकदम अभी अभी मान लो किसी ने शरीर छोड़ा है और उसको यदि हार्ट अटैक के कारण शरीर छोड़ता है, ऐसी सिचुएशन अचानक किसी को बॉडी छोड़नी पड़े, उसको विद इन 2 मिनट ही CPR दें, अदरवाइज ना दें, ये हॉस्पिटल में बड़ा क्लियर, विद इन 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट CPR, CPR बोलते हैं छाती को प्रेस करके रिवाइव करना, ठीक है, चेस्ट प्रेसिंग रिवाइव ऐसा कुछ इसका बनेगा, ठीक है, तो उसको जो है ना छाती को दोबारा से प्रेस करके छाती को दबाओ और वो जीवित हो सकता है। और यदि जैसे मान लीजिए कोई अचानक हो गया है तो उसको छाती दबा दो, तो यदि वो आ गया तो आ गया, यदि विद इन 2 मिनट्स नहीं आया तो उसमें जितना ब्रेन डैमेज हो गया, मतलब वो या तो आ गया तो वो बैठा रहेगा, कुछ बता सकेगा, कुछ नहीं बता सकेगा, कुछ कर्म कर सकेगा कुछ, क्योंकि ब्रेन जितना डैमेज हो गया उतना डैमेज हो गया, वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता यदि वो आ गया तो, और नहीं तो ब्रेन 3 मिनट में ब्रेन डैमेज हो गया, फिर चाहे उसे कोमा में कितने साल भी रखो उसने वापिस नहीं आया। मतलब मेरा कहने वाला ये है कि ब्रेन डेड हो गया, वो बॉडी मैसेज, आत्मा क्या करे, आत्मा तो बैठी है, आत्मा तो रुक गई, बॉडी चल पड़ी है तो आत्मा रुक गई, ठीक है, अब आत्मा उसमें है परंतु क्या होता है कि उसको ब्रेन जो है वर्क नहीं कर रहा, ब्रेन उसे मैसेज नहीं दे रहा, हम यदि चोट रहे हैं उसके पास मैसेज नहीं जा रहा कि किसी ने मुझे चोटा है, ठीक है, और उसके बाद वो जवाब क्या दे, आप बोल रहे हैं जोर जोर से, कान से उसकी आवाज नहीं जा रही उसके पास, उसके मुंह में आप कुछ भी डाल रहे हैं उसका टेस्ट उसको पता नहीं लग रहा, उसको मैसेज ही नहीं मिल रहा, वो रिस्पॉन्स क्या करे, और आधा जिसको आधा कोमा कहते हैं कि मैसेज जा रहा है, वो कुछ एक्ट भी कर रहा है परंतु उसका वो पार्ट चला गया है जिससे मैसेज बॉडी में आ सके, ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल में आया है, मतलब हाँ मतलब हम उसे चोट रहे हैं वो हाथ हिलाता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जिसको हम कोमा की मतलब कुछ जैसी भी स्टेज समझो, तो उसके अंदर उसके मैसेज तो रिसीव हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, हम बोल रहे हैं उसको सुनाई दे रहा है परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो पार्ट उसका क्या हो गया है, डेड हो गया है, ठीक है, तो अब वो आत्मा तो है, आत्मा तो पूरा चैतन्य, उसके पास मैसेज जा रहा है, परंतु वो बोले तो बोलने वाला पार्ट जो आ रहा है जो आप
बुद्धि जो ऑर्डर कर रही है उस ऑर्डर को वो बॉडी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, आगे मैसेज पास ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैसेज का जाना और मैसेज का आना मन के थ्रू आत्मा तक जाता है, मतलब बॉडी डैमेज हो गई है इसलिए वो मैसेज दे और ले नहीं पा रहा है। आत्मा वहां पर किसका अच्छा हाँ मतलब उसके मैसेज रिसीव कर रहा है परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कुछ वो फिल्म है ऐसी है ना, थ्री इडियट्स है कोई होगी फिर कोई होगी, चलो जो भी है। मतलब कहने का है कि हमें समझना है कि आत्मा मेन हम देख रहे थे कि आत्मा जहां भी उसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहा वो एक ही सेकंड में वहीं के वहीं क्या हो जाएगी डेड साइलेंस, कर्म अकाउंट है ही नहीं, आत्मा को क्या होना एकदम स्टॉप हो जाए। अब उसके लिए कोई घर नहीं है, आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट किया है। आत्मा है निराकार, आत्मा का कोई आकार हम बना नहीं सकते, आकार तो है पहले बाबा ने कह दिया आकार है परंतु वी आर अनेबल टू ड्रा, हम उसे बना नहीं सकते। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्मा ही है, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश वा लोक, इसको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। ये दुनिया क्या है, जीव आत्माओं का देश, वो द्वे है आत्माओं का देश। फिर जब आत्मा यहां आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से क्या बन जाती है, साकार बन। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का रूप है, रूप भी जरूर है तो नाम भी, और इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, कितना पार्ट बजाती है, 5000 साल का पार्ट बजाती है। आज बोले बहुत अच्छी तरह बाबा स्पष्ट करे, इस शरीर द्वारा हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये टेप रिकॉर्ड से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होता है। एक तरफ लिपटता जाता है, इधर से चलता है दूसरी तरफ लिपटता जाता है, और टाइम जो है उसका क्या है, हेड, टाइम उसका क्या है, हेड। टेप का जो हिस्सा हेड के सामने आता है वही आवाज निकलती है, और वहां से आगे जाते चुप लिपटती जाएगी, जो टेप के आगे आती जाएगी वो बोलते जाएंगे। ये टाइम जो है, समय जो है, वो एक हेड है हमारा हर एक आत्मा का, एक ही समय पर मैंने बोलना है, आपने सुनना है, ऐसे सिरे लाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सारा आप हर एक आत्मा उसी समय पर एक्यूरेट करती रहती, एक्यूरेट करती रहती। कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है ये, और हर एक का फिर क्या है, लिपटता जा रहा है, फिर कब प्ले होगा, फिर 5000 साल बाद जब पुनः स्टार्ट होगा तो फिर से। अब इसको रिकॉर्ड कहा है बाबा ने, रिकॉर्ड एक बार भर जाता है फिर कितना भी बार रिपीट करो वही चले, परंतु एक मुरली में बाबा ने कहा ये मास्टर कॉपी ही रहता है। इस लाइन को वीडियो को किसी और मुरली में कहा ये, या हर बार मास्टर कॉपी रहता है, ये लाइन याद रख, मास्टर कॉपी समझते हैं। हाँ नहीं, मास्टर कॉपी कहते हैं जैसे फिल्म बनी फर्स्ट रिकॉर्डिंग की वो मास्टर कॉपी हो गई,
वो भी कह सकते हो, आजकल कलर कॉपी हो जाती है, मतलब उससे समझ लो कि जैसे एक फिल्म बनी है उसकी एक मास्टर कॉपी होती है, उसको यूज नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, उससे कापियां तैयार करते हैं और वो कॉपियां चलती रहती हैं, जैसे मास्टर सीडी रह गई उसके पास दुकानदार के पास, उसे जितनी भी सीडियां थी बनाकर दे देते थे, या लैपटॉप में मास्टर कॉपी बनी हुई है उससे जो है ना सैकड़ों मेमोरी कार्ड में भर के भेज दो, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो मेमोरी कार्ड ब्रेक खराब हो जाएगा, यूज करते करते मेमोरी कार्ड डैमेज हो जाएगा, सीडी भी डैमेज हो जाएगी, टेप भी घिस जाएगी, ठीक है नहीं, तो वो मास्टर कॉपी नहीं घिसे, ठीक है नहीं। तो बाबा कहते आप आत्मा मास्टर कॉपी, मास्टर कॉपी क्यों, क्योंकि आप जो प्ले जो इसमें भरा हुआ था वो आपने प्ले किया, उसकी फिर से शूटिंग हो गई, वो फिर आगे प्ले होगा, ये पूरा का पूरा ड्रामा हमेशा मास्टर कॉपी रहता है, क्योंकि यदि उसी ड्रामे को बार बार चलाया जाए तो घिस जाए, परंतु ये कभी घिसता नहीं, जो पिछली बार रिकॉर्ड हुआ वो आपने प्ले कर दिया, अब जो रिकॉर्ड हुआ वो अगले कल्प क्या होगा, प्ले होगा, हर कल्प में ये जो है ना क्या रहती है, मास्टर कॉपी रहती है, मतलब बहुत इस बात को बहुत अच्छी तरह से बना बनाया, बना हुआ था फिर बनाया, फिर बना हुआ था फिर बनाया, इसलिए इसका आदि और अंत नहीं होता, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा, कितनी बार भी रिपीट करो वही चलेगा, वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्डेड है, आत्मा में रिकॉर्ड है सारा, शरीर में नहीं, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है, या हम कह सकते हैं क्योंकि बाबा ने जिस समय मुरली चलाई उस समय बाबा के सामने 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बैठी थी, तो आज हम कह सकते हैं कि 5000 ईयर्स का पार्ट रिकॉर्ड, कि सबके 84 जन्म नहीं, सबके 84 जन्म नहीं, परंतु 5000 साल का तो सबका पार्ट है, इसलिए चाहे उसने कितने जन्म तक परम धाम में वेट करनी हो, परम अवस्था में विश्राम करना हो, और कितने समय के लिए इस संसार में आना हो, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार, कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है कि वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु लिखना क्या चाहिए था, लिखना क्या चाहिए था, नाम रूप न्यारा है, सह पता नहीं बीच में कैसे घुस गया, एक सामाजिक प्रथा है, नियम है कि जब हम कुछ बोलते हैं दूसरा कोई सुनता है तो या तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ देगा या उसमें से कुछ घटा देगा, नियम है, उस नियम के आधार से इसमें जुड़ गया, वरना सत्य सबके पास था कि उसका नाम रूप न्यारा है, और से बीच में पता नहीं कैसे जुड़ गया और अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं, आकाश भी पोलार है, खाली है, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं, मनुष्य समझते हैं कि परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, नाम नहीं रूप नहीं तो देश भी नहीं, देश भी उसका नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, बुलाते भी क्या है, दूर देश का रहने वाला आया देश, परमपिता परमात्मा को दूर देश वाला कहते हैं, अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, ये साकार देश है, इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य,
रावण, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। ये बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। कौन सा राज्य शुरू होता है? ईश्वरीय राज्य। राम राज्य स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, वे कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके और शिव बाबा कभी भी रावण राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे, बाप अपने बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर ही दुख देते हैं, सुख देते हैं। ईश्वरी दुख देता है, ईश्वरी क्या देता है? सुख देता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? मेरा नाम क्या है? दुख हरता सुख करता। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये तो मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। इस समय क्या है? सारी दुनिया दुख धाम है। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है और आधा कल्प क्या मिलता है? सुख। आधा कल्प दुख मिलता है और आधा कल्प क्या मिलता है? सुख। जब सुख होता है तो दुख की रति नहीं, और जब दुख होता है तो सुख की रति। रति क्या होता है? वो छोटी सी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुम हो संगम पर, इसको इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है, क्या नाम है नई दुनिया का? स्वर्ग। वे फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष विकारों को ही सुख समझते। आज की दुनिया बस पता नहीं उनको, बस पैदा ही इसलिए होना है, पैदा ही ऐसे होना है, फिर लक्ष्य भी यही है, बस बच्चे बड़े हों, उनकी शादी करो, हमारी जिम्मेवारी खत्म। ये तो हमारी जिम्मेवारी है, ये तो हमारा बोझ है, अब हम गंगा स्नान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा स्नान नहीं। आप तब तक मर नहीं सकते। गंगा स्नान का मतलब यही था कि भी क्योंकि मरेंगे तो हमारी हड्डियां वहां जाएंगी, यानी हम मर नहीं सकते तब तक। हाँ हाँ, अब ये काम हो गया, अब गंगा स्नान करने जाओ, वे हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत को छोड़कर फिर तुम विष क्यों खाते हो? गाते हैं दुनिया वाले। ग्रंथ में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी मतलब लिखा है, गुरु नानक के भी अक्षर हैं, अशंख चोर। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। अशंख चोर एक भजन है, उसमें दो शब्द लिखे हैं क्योंकि पूरा तो भजन पता नहीं क्या है। अशंख चोर है नहीं, पर भाव इसका यह है कि वो भी विकारों में जाते हैं, बाप की महिमा गाते कि बाप की महिमा गाते हैं, खुद विकारी हैं परंतु बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे ही भला होगा, नहीं तो रावण राज्य में
मनुष्य बुरा काम ही करे। और दुनिया में सब क्या है, गंदे सारे खराब है। उस भजन का जो भाव दिखाई दे रहा है कि उस दुनिया में मतलब नानक दुखिया सब संसार, मतलब इसी प्रकार से सारे जो है ना, चाहे चोर हैं, चाहे ठग हैं, चाहे बेईमान हैं, चाहे कोई विकार हैं, उन्हें विकार भरे हुए हैं। परमात्मा से उसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आएंगे तो हमें इन विकारों से क्या करेंगे, निकालेंगे। सारे मनुष्य बुरा काम ही करेंगे, बाप ही आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं। माँ बाप ही आकर हमें इन गंदी विकारी दुनिया से स्वच्छ बनाते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब ये तो कोई सिख धर्म वाले हैं है नहीं, सिंधी जो है वो तो सरदार है ही नहीं, परंतु वो भी ग्रंथ अपने पास रखते हैं। ये तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, सिखों का है गुरु नानक। उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों के दाढ़ी बाल रखना होने चाहिए, रख लिया उन्होंने। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। ये तो बच्चों को अभी पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे गुरु नानक जी, 4500 वर्ष के बाद। कोई से भी पूछो तो ये बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, कैसे आएंगे, आएंगे कैसे, फिर कैसे आएंगे, तो समा गई खत्म। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सारा चक्र लगाती है, लगाती रहती है, बुद्ध क्राइस्ट आदि सब के लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है, बाप आते हैं सबको जगाने, बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया है। सो गए। अब बाप अमृत छकाते हैं। क्या होता है अमृत छकाना, अमृत छकाया आपने कि नहीं, छक रहे हैं जी। अमृत छकाते, छकाने माना पिलाना, वो अमृत पी करके आते हैं। कहां से, अमृतसर से, जहां नहाते हैं वही पानी पीकर। अमृतसर नाम इसलिए रखा है क्योंकि अमृत का तालाब है। वो ये नहीं समझते कि हमने जो गुरु ग्रंथ साहब है उसको सुन करके अपने जीवन में धारण करना है, वो पानी को पी। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहां ज्ञान अमृत, कहां पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब, सरमना सरोवर तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं
ओंकार सत नाम वाहे गुरु करता पुरुख निर्भय निर्वैर है नी अजोनी। वो सदैव सच बोलने वाला, वो सदैव सच बोलने वाला, सत्यनारायण की कथा है ना। सिंधुवर्ती लोग मतलब सिंध में रहने वाले लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते। क्यों क्यों कराते हैं वो सत्यनारायण की कथा? किनका क्या क्या है कहानी में? कोई वो जिस जहां ठीक हुआ था वो बताओ ना, उससे पहले क्या होता है कि व्यापार करने के लिए जाते हैं तो वहां पर राजा की, क्योंकि उसने कथा व्रत रखना था, उसने लड़की हो गई, उसने कहा लड़की हुई है 40 की शादी पर रखूंगी, शादी पर व्रत रखना भूल गई, कथा कराना भूल गई। तो दामाद और ससुर वो दोनों व्यापार करने गए तो वहां राजा के घर चोरी करके चोर भाग रहे थे, पीछे पुलिस लगी, सेना जो लगी हुई थी उनके राजदरबारी कर्मचारी समझो, तो वो जो है ना उनके पास सामान रखकर छुप गए, तो वो पकड़े गए। चोरी करने वाले तो भाग गए, बच गए, और वो पकड़े गए तो उनको जेल में डाल दिया। और इसको सपने में आया कि वो जेल में आए तो इसको याद आया कि मैंने सत्यनारायण की कथा रखनी थी वो नहीं रखी, तो फिर उसने सत्यनारायण भगवान से कहा हे भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने आपकी कथा नहीं रखी, उनको छोड़ दो तो मैं कथा रखूंगी। तो उनको छोड़ दिया, वो व्यापार करके धन कमा के ला रहे थे, तो वो भी व्यापार करने के लिए जाते विदेशों में, है नहीं? तो सोचते कि हम भी अपने साथ कथा ही लेके जाएं ताकि हम वहां कथा कर लेंगे तो हम फंसेंगे तो नहीं ना, भगवान हमारे से छुड़वा देगा ना कई मुसीबत में, क्योंकि विदेश में जा रहे हैं, वहां के नियम वहां के सब। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते तो सत्यनारायण की कथा कराते, समझते सत्यनारायण की कथा से सुरक्षित सुरक्षा से पार हो जाएंगे, और हमारा जो व्यापार है वो सुरक्षा से बाहर का पूरा हो जाएगा। फिर अमर कथा, फिर तेजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। तो अमर कथा, तेजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, इनका आपस में क्या संबंध है? ये तीनों कथाएं आप जानते हो, परंतु इन तीनों कथाओं का आपस में संबंध क्या है, मतलब क्या है इन तीनों कथाओं में, राज क्या छिपा है तीनों कथाओं में? अंत में परमात्मा आकर सब कुछ ठीक कर देता, अंत में परमात्मा आकर सब कुछ ठीक कर देता है। सत्यनारायण की कथा में भी ये दिखाया कि लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया थे नहीं? और अमर कथा में भी सब ठीक हो गए, और तिजरी की कथा में भी लास्ट में क्या ठीक होता है? तिजरी की कथा में लास्ट में क्या ठीक हो जाता है? हाँ, उसको दबा दिया था, उसके बाद उसको पता लगा, उसने उसे बाहर निकाला, तब दिखाया कि एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता आकर क्या करता है, उसे दोबारा जीवित कर देता है, उसे दोबारा जीवित कर देता है, और जीवित करने से सारा परिवार खुश से रहते हैं, तीजो छोड़कर चली जाती है, वो भाग जाती है। हाँ वो भाग, और तीनों कथकानियों का मतलब भाव एक ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, शंकर कहाँ रहने वाला है? सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर
अमर लोक में मैं ले जाने के लिए आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। सूक्ष्म लोक में तो पार्वती ने कोई दोष किया नहीं, शंकर तो इस लोक में आया ही नहीं, शंकर तो इस दुनिया में आया नहीं, उसने शरीर धारण किया ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? लाइट का होता है। तो शंकर जैसा हम चित्रों में देखते हैं ऐसा लाइट का काशी शरीर होगा उसका, तो कैसा होगा शंकर का सूक्ष्म शरीर कैसा होगा? क्या लाइट फिर ये शरीर जो बना रखा है कि झूठा है, सूक्ष्म शरीर कैसा होगा शंकर का? मेरे को तो ये समझाओ कैसा होता है वो। आपने संदेश नहीं सुने, संदेशों को ध्यान से सुनो। संदेश में कहा गया कि जब मैं गई तो वहां कौन आए? सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं। कैसे पहचाना दादी ने कि एडवांस पार्टी की आत्माएं आ गई? कुछ तो देखा होगा। हाँ आकार है ना, है ना, तो ऊपर आए ना, तो किस रूप में आए? वो पुराना यहाँ पर रूप था, उस रूप में नहीं आए जिस रूप में वो नीचे हैं। यदि नीचे वाले रूप में जन्म ले रखा है सबने, उस रूप में नहीं आए, इसका मतलब आकार है ना उनका। जैसे हम समझाते थे कि भी फिल्म की तरह अमिताभ बच्चन भाग रहा है, अब उसको गोली मारो पकड़ो, पकड़ तो ना सकते हैं फिल्म में। ये आकार लाइट का आकार है, शरीर नहीं है, ऐसे ही आकार होता है। जैसे दुनिया में भूत दिखाते हैं कि किसी का, वही दिखाते हैं ना पूरा का पूरा, ठीक है? तो आकार वही होता है, सूक्ष्म आकार जैसा यहाँ होता है, केवल दिखाई उनको देता है जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट होता है। होगा नहीं, दिखाई देगा और पूरा दिखाई देगा, ठीक है ना? लास्ट में आप भी, इमेजिनेशन अलग चीज है, वो हमारी हमारी संकल्प है, परंतु संकल्प में उसको विजुलाइज करना कहते हैं। वो आप अपनी इमेजिनेशन बना रहे हैं, अपने थॉट से क्रिएट कर रहे हैं, परंतु वहां दादी को अपने थॉट से क्रिएट नहीं कर रही है कि आप दादी प्रकाशमणि आ जाओ, गुलजार दादी आ जाओ, फलानी दादी आ जाओ, भाई आ जाओ, वो आ जाओ। अब वो अपना विजुलाइज नहीं कर रही है, उसे दिखाया जा रहा है। अंतर समझना है, ठीक है? एक तो आप बैठ करके सपना देखो, एक आपको कोई दिखाए, दोनों में अंतर है। बाबा जो चाह रहा है उसे दिखाना, वो बाबा उसे दिखा रहा है, वो खुद कुछ नहीं सोच रहे कि अभी मेरे को ये दिखाई दे, ये हो, उसका अपना नहीं है। क्योंकि आजकल के जो संदेश सुनाते हैं ये अपने में बैठ कर एक कहानी घड़ते हैं, वो आकर के सुनाते हैं, परंतु उनको बाबा दिखाते थे और वो आकर बताते, और दोनों में अंतर समझना है। तो सूक्ष्म आकार होता है और वो होता है जो नीचे होता है, और भूत भी दिखाई देता है तो उसी रूप में दिखाई देता है जिस रूप में उसका कार्मिक अकाउंट था। अपना कार्मिक अकाउंट करने के लिए अच्छा व बुरा कोई किसी को दिखाई देती है आत्मा शरीर में, तो उस शरीर में दिखाई देती है जिस शरीर में उसने कार्मिक अकाउंट बनाया था, रहा हुआ था, जिसे वो अब पूरा करने के लिए आया है। इसलिए मतलब जो हमारे सूक्ष्म वतन का चित्र, जब हिस्ट्री हॉल में जाओ तो जरूर देखना,
ध्यान से देखना। हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति का चित्र रखा हुआ है जो बाबा के टाइम का बना हुआ है, यानी उसमें ब्रह्मा बाबा में भी ब्रह्मा का चेहरा, शंकर में भी ब्रह्मा बाबा का चेहरा, विष्णु में भी ब्रह्मा बाबा का चेहरा है। आजकल के आर्टिस्ट जो बना रहे हैं ये वो कॉपी नहीं कर रहे, आजकल तो दुनिया वाला ब्रह्मा, दुनिया वाला विष्णु, दुनिया वाला शंकर बिठा देते हैं, दुनिया वाले चित्र खड़े देते हैं, परंतु वो चित्र बाबा के सामने बाबा ने साक्षात्कार करके बनवाया तो उसमें ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का, एक ही ब्रह्मा का चेहरा है। तो शंकर का आकारी रूप वही है जो नीचे ब्रह्मा का था। मतलब मेरा जो बताने का मतलब समझ रहे हैं आपको, और कोई नहीं है। आज की डेट में भी किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार होना है तो उसी रूप में होगा जो यहां होगा, चाहे उसने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया है। मतलब विष्णु के रूप में, विष्णु को चार हाथ वाला नहीं है, विष्णु का भी आकारी रूप ब्रह्मा है, शंकर का आकारी रूप भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा का आकारी रूप भी ब्रह्मा। तो दो ब्रह्मा है, एक है प्रजापिता ब्रह्मा, एक है आकारी ब्रह्मा। आकारी ब्रह्मा का रूप वही है जो नीचे वाला ब्रह्मा है, क्या बोलते हैं, शंकर का रूप भी वही है जो नीचे वाला ब्रह्मा है, विष्णु का रूप भी वही है जो नीचे वाला ब्रह्मा है। और इस बात को वहां उस चित्र के माध्यम से समझाया गया। तो कोई ध्यान से देखता नहीं, ध्यान से देखता नहीं, ये बन बात, मतलब कोई उस बात पर ध्यान नहीं देता। जब जाओ तो ये फिर मौका नहीं मिलेगा देखने, समझने। बात समझ में आई है ये मैं जो बताने चाह, बाबा जो कह रहा है, अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप समझ जाते हैं, तुम ही कुल कुल पूछे थे, फिर 84 जन्म के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है आप पे ही पूजे आप पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूजे हूं, तुमको आकर पुजारी से पूजे बनाता हूं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ, आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन, अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परम आत्मा है, एक ही राम है। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है ना कि कृष्ण। पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को वा साकार को। कृष्ण तो है साकार शिव, कृष्ण तो है साकार शिव। निराकार वे सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। पहले नंबर गर्भ में आने वाली है कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को शरीर नहीं है, शिव को शरीर नहीं है। यहाँ इस लोक में स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा सुख कहाँ हो सकता है, सुख कहाँ हो सकता है, हम
यहाँ लत्ती लत्ती भर भी सुख नहीं है। कुछ भी खो जाने का डर है। सुख मिलेगा दूसरे जन्म जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेटर लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। ये तो दुख दाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। ये शरीर तो यहां ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होते हैं होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर उसके पीछे होती है बारात। घर आते हैं जब, अब तुम्हारी माला भी ऐसे है। ऊपर में है शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर वो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता क्षत्रिय फिर शूद्र वैश्य फिर शूद्र ब्राह्मण बन ये नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये माला उनों की बनी हुई है। ये ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 के माला भी होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है, फिर कहां से कोई खींचेगा, कहां से कोई। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, क्योंकि सारी माला ट्रंक में रखते उसको माथा टेकते। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं तो वे फिर पोपों की माला होगी। उन सब के चित्र हैं, पोपों को कितना मान है, उनको खुद पता नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है, उनको खुद को नहीं पता। तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बैगर रूप में है। किस रूप में है? बैगर। तुम भी अभी बैगल टू प्रिंस बन रहे हो तो वो प्रिंस क्यों नहीं बनेगा? हम बैगल से प्रिंस बन रहे हैं तो वो भी बैगर है, वो प्रिंस क्यों नहीं बनेगा? भारतीय प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला एक रूहानी बाप, बैगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है जहां जाकर वे पढ़ते हैं। तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, 184 जन्म के बाद बैगर बना है। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने सौकार थे, अभी वही कंगाल बैगर बने। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवानो वाच, वे सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल ये कर दी है जो शिव भगवानो वाच के बदले कृष्ण भगवानो वाच नाम डाल दिया है, इसलिए गाया जाता है। झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं,
अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्यु को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स कांटे बनते, वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते, रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है, आखरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बना, सबको बना। कितना बोला है, कितना बोला है, ये नहीं देखता कि गणिका है, ये वे अहिल्या है, ये कुब्जा है, किसको देखता है फिर वो? आत्मा। आते भी पतित दुनिया में है, खुद आता भी पतित दुनिया में है और पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वो विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी ये एक अंतिम जन्म, तुम पावन बनो, उसका भी थोड़ा सा टाइम। ये विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बना। क्या तुम ये एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? एक अंतिम जन्म इसे छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूं, तुम एक जन्म पवित्र बनो, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने। बाप आया है सबको सुख धाम से लिबरेट कर, दुख धाम से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूरत कहते हैं। बाप है महाकाल, बाप है महाकाल, वे काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में
प्रिंस प्रिंसेस बनना है, सच्ची सच्ची सत नारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुरुष जमा अर्थ, आत्मा के लिए, पुरुष जमा अर्थ आत्मा के लिए, नारायण बनने का आत्मा के लिए जो कुछ भी करेंगे वो पुरुषार्थ है, ठीक है, आत्मा के लिए करना। परंतु बेचारे आत्मा नहीं समझे, उन्होंने समझा मेहनत करना। आत्मा के लिए हमें जो करना है वो आत्मा के लिए करना। और पुरुषार्थी क्या होता है? पुरुषार्थ हो गया आत्मा के लिए, तो पुरुषार्थी क्या होता है? हाँ, आत्मा समझ रथ से कर्म कराने वाला, कर्म कराने वाला सब्जेक्ट है ये। पुरुषार्थी क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया आत्मा समझ रथ से कर्म कराने वाला, रथी पुरुष, आत्मा समझ रथ से कर्म कराने वाला पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ हो गया आत्मा के लिए कर्म करना, आत्मा के लिए करना। प्रदान, एक सेकंड में दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। क्या बनो? रूहानी जादूगर, एक सेकंड के दृढ़ संकल्प, एक सेकंड में इतना दृढ़ संकल्प हो स्वयं का भी और विश्व का भी परिवर्तन। क्या रूहानी जादूगर कैसे बनेंगे? जैसे जादूगर थोड़े समय बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़ी रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर आधीन नहीं हो सकती। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी पर आधीन नहीं हो सकती। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के द्वारा पूछे गए बाबा की श्रीमत के बारे में 2000 से भी अधिक वीडियोस भेजे जा रहे हैं। उनको देखकर आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए बाबा की श्रीमत क्या है वो जान सकते हैं। उनको देखते हुए आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो वो जरूर व्हाट्सएप करें जो वहां ना हो, ताकि उस पर भी वीडियो बनाकर इस लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि सबको अपने प्रश्न का जवाब मिल सके। ये आपकी ड्यूटी भी है, आपका फर्ज भी है, सेवा में सहयोग भी है और अधिकार भी। ओम शांति।